चलिए जी, आ गया मेरे आज के साप्ताहिक अवकाश का दिन। साप्ताहिक अवकाश यानी रविवार का दिन। रविवार के दिन कुछ ऐसी ही बात होती है जिस दिन मैं आपसे बातें करता हूँ और मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी मोहब्बत और उजागर हो, मेरी मोहब्बत यानी कि आपसे कनेक्ट बने और बेहतरीन बातों का सिलसिला जारी रहे। जी हाँ, तो आज रविवार के दिन कुछ ऐसी ही मनसा आई कुछ लोगों के विचारों से। जैसा कि शुक्रवार और शनिवार को होता है, जैसे ही शुक्रवार या शनिवार आता है वीकेंड का मजा सर चढ़ के बोलने लगता है। मन में आता है कि खूब मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे, रात भर सोएंगे, दिन भर सोएंगे और खूब सारा आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही रविवार की शाम आती है, शाम आते ही वापस से सोमवार का बोझ दिमाग पे घूमने लगता है। सोमवार आ रहा है यानी कि काम फिर से चालू करना पड़ेगा। और यह विचार अगर आपके मन में भी आता है तो इसका मतलब है कि अभी आपके एकीगाय यानी आपके पैशन की खोज बाकी है। अब ये पैशन की खोज भी बड़ी ही अजीब चीज है। हर मोटिवेशनल स्पीकर यही कहता हुआ सुना जाता है कि अपने पैशन में अपने काम को तलाशो या फिर अपने काम में अपने पैशन को तलाशो, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर इस पैशन को तलाशे कहाँ, ये मिलेगा कहाँ? झाड़ी में, किताबों में, बुक में, पेंसिल में या फिर हमारे मोबाइल फोन में? समझ में नहीं आ रहा। और अगर इसी वहां फोन में अगर आप भी फंसे हुए हैं तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी ही एक टेक्निक जिससे आप अपने पैशन की तलाश कर पाएंगे। हालांकि पैशन की तलाश के बारे में एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो कि जापानीज टेक्निक कही जाती है, इकिगाई की तलाश। इकिगाई में बहुत सारी बातें लिखी गई है, अगर आप पूरी किताब पढ़ने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर हो सकता है कि ज्यादा वक्त लगे। इस अगले 2-4, 5 या 10 मिनट के वीडियो में हम कुछ इस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे सो दैट कि आपकी गई जैसी बड़ी किताब ना पढ़नी पड़े, लेकिन सिंपल टेक्निक से, साइंटिफिक तरीके से आप अपने पैशन की तलाश कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि जरा अपने बचपन में चलते हैं। आप अपने बचपन में जाके जरा तलाशिए कि वो कौन सी चीजें थी जो आपको करने में बहुत ही मजा आता था। बहुत ही मजा करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो खेल कूद में आपको मजा आता था, हर बच्चे को आता है, पेंटिंग में मजा आता था, हो सकता है आपको ड्रॉइंग करने में मजा आता था, आपको स्पोर्ट्स के अलावा घूमने फिरने में मजा आता था, आपको गणित के कठिन सवालों को सॉल्व करने में मजा आता था। कुछ चीजें ऐसी थी जिसे करने में आपको बहुत ही मजा आता था, लेकिन समय, परिस्थिति के साथ, लोगों के विचारों के साथ आपने उसे त्याग दिया, आप उसे भूल गए और अपना मजा भी इसके साथ भूल गए। तो आपको सबसे पहले ये तलाश करना है कि वो कौन सी चीज है जिसमें आपको बचपन से ही मजा आता था, और अगर आपको बचपन में मजा आता था तो निश्चय ही आपको आज भी उसमें मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा या किस तरीके से कोई चीज आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ हमारे जेनेटिक्स और हमारे एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। जी हाँ, यानी कि हम कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीजें सीखेंगे। उसी तरीके से हमारे जेनेटिक्स में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वभावतः ही हमारे अंदर पाया जाता है। तो आप अपने जेनेटिक्स के बारे में पता करें, अपने पिता, अपने संबंधियों के बारे में पता करें कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। क्या वो बिजनेस है, क्या वो नौकरी है, क्या वो स्पोर्ट्स है या फिर कुछ और है जिसमें आपकी पारिवारिक रुचि रही है। ध्यान रखिए एक चीज का, जरूरी नहीं है कि कोई पारिवारिक व्यक्ति उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत फेमस हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मेरी माताजी बहुत ही अच्छा गाना गाती है, वो एक सिंगर नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता है परिवार में कोई पार्टी फंक्शन होती है उसमें गीत बहुत अच्छा गाती हैं और हमेशा ही उनको तारीफ मिलती है। तो ये जेनेटिकली कहीं ना कहीं वो म्यूजिक का कंटेंट मेरे अंदर भी है, क्योंकि म्यूजिक मुझे भी पसंद है और थोड़ा बहुत मैं भी गा लेता हूँ। वैसे मैं भी कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आखिर में आपको आता क्या है। जी हाँ, आता से मतलब ये है कि कुछ चीजें आपने ऑटोमेटिकली सीखी होंगी। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पैसे का लेन देन किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑटोमेटिकली ही सीख लिया होगा। तो दूसरे स्टेज में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर आपको आता क्या है। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं बाजार की तरफ। जी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फेमस हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उनको अप्रेज भी करते हैं और बहुतों के वो रोल मॉडल भी हैं। ऐसे में हमारे एक्टर्स हो सकते हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो वो रोल मॉडल आखिर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों के ऊपर कॉम्पिटेंसी हासिल करी है और कहीं ना कहीं उस फील्ड के वो एक्सपर्ट बन गए हैं, और ये एक्सपर्टीज ही उन्हें उस फील्ड में फेमस बनाता है। तो आप पहले 2 स्टेज में जो आपने
आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, पहला आपको क्या भाता है यानी कि आपको कौन सी चीज पसंद है, दूसरा आपने आइडेंटिफाई करी कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको ऑलरेडी आता है यानी आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, वो स्किल्स आपके अंदर है, एंड द थर्ड वो कौन से दुनिया के लोग हैं जो ऑलरेडी फेमस हैं इसी फील्ड में जो आपको पसंद भी है और आपको आता भी है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके ऊपर रिसर्च कीजिए कि आखिर वो अचीवमेंट उन्होंने किस प्रकार पाए, उनके बायोग्राफीज को पढ़िए, उनके स्टोरीज को पढ़िए, उनके इंटरव्यूज सुनिए ताकि आप जान पाएंगे कि आखिर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करी और उस स्टेज तक कैसे पहुंचे। एंड द फोर्थ स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें जानने की कोशिश करें कि जो फेमस लोग हैं या फिर जो आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर जो कला है जो उनको पसंद है उस माध्यम से वो पैसे कैसे कमा रहे हैं, आखिर पैसे कमाने की कला उन्होंने कहाँ से सीखी, किस प्रकार से सीखी और किस प्रकार दुनिया उसी काम के लिए उनको पैसा देने के लिए तैयार है। और अगर आपने ये चार चीजें आइडेंटिफाई कर ली तो निश्चय ही आप अपने पैशन की तलाश के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए पैशन कुछ नया नवेला चीज नहीं है, ये वही है जो आपके अंदर छुपा है, आपको सिर्फ तलाशना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चार स्टेज मैंने बताए इसको करने में आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, पेन पेपर डायरी अपने पास रखें, लिखें, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो तो कहीं जा नहीं रहा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो आप इसे पॉज कर लीजिए, लिखिए, हो सकता है लिखने के लिए आपको चार पेजेस लिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसमें से बाकी चीजें काट दीजिए जो असल में आपने लिख तो लिया लेकिन आपको पसंद नहीं है। लेकिन आप आइडेंटिफाई करें उन चीजों को जो वास्तव में आपके दिल की गहराइयों से पसंद है, और इतना सब कुछ करने के बाद, भारी मशक्कत करने के बाद भी अगर आपको आपका पैशन ना मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए हर किसी को अपना पैशन एक बार में नहीं मिलता, उसके लिए अनवरत प्रयास करते रहना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पसंद का काम कर रहे होते हैं और करते करते अचानक आपको मालूम पड़ता है कि अरे यही तो आपका पैशन है, तो फिर रुकना क्यों, बस काम शुरू कीजिए। पैशन की तलाश की वजह से काम मत रोकिए, काम तो शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, पैशन तो मिलेगा ही। और ये जो पूरी टेक्निक मैंने आपको बताई है बेसिकली एक ही गई बुक में लिखी गई है, जापानीज टेक्निक है और रिसर्च बेस्ड है। हालांकि जो मैंने आपको बताया ये इन किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये तलाश करने का तरीका उसमें नहीं बताया गया, उसमें तो ये बताया गया है कि आखिर किस प्रकार इकिगाई का प्रयोग करके लोग खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं जापान में और दीर्घायु होते हैं। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ जीना है अपने पैशन की तलाश कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।